सारांश उपरे वर्तमान प्रधानमंत्री अभिभाषण रखुचंती सीधा प्रसारण में देखो और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हर एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को, और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। कल जैसा मैंने पहले कहा, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय एंड लार्ज हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है। और आपने भी देखा होगा किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है।